हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एडुबेस क्लासेस यार आज हम मजे मजे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने बिजनेस का करने वाले हैं जो कि है स्टाफिंग अब हम सब जानते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे देखिए हमने सबसे पहले किया प्लानिंग प्लानिंग में अपने गोल्स को सेट किया हमने अपने टारगेट्स को सेट किया कैसे उन टारगेट को अचीव करेंगे इसका एक रोड मैप तैयार किया उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने किया ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को डिसाइड किया कि कैसे ड्यूटीज असाइन होंगी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या होंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने किया ड्यूटीज असाइनमेंट की ऑफ वर्क किया तो ये सारी चीजें जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग उसका नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टाफिंग तो देखिए स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि एक राइट right पर्सन आपके बिजनेस को ग्रो करवा सकता है और एक रॉन्ग पर्सन आपका एक गलत डिसीजन रॉन्ग पर्सन को सिलेक्ट करने में आपके बिजनेस को स्पॉइल कर सकता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस फंक्शन वेरी रैशनली वेरी वाइजफुली। तो जल्दी से देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है देखिए स्टाफिंग का मतलब होता है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपने प्लानिंग कर लिया ऑर्गेनाइजिंग कर लिया लेकिन जब तक इंप्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे काम शुरू नहीं होगा काम स्टार्ट नहीं होगा अल्टीमेटली जो काम करेंगे वो इंप्लॉयज करेंगे तो अब आप जब उन इंप्लॉयज का सिलेक्शन करोगे रिक्रूटमेंट होगा सिलेक्शन होगा ट्रेनिंग होगा डेवलपमेंट होगा दैन दिस प्रोसेस इज द इजेशन होती थी वो सिर्फ इम्प्लॉयज को सिलेक्ट करती थी उनका काम सिर्फ सिलेक्शन का काम होता था ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर नहीं होता था लेकिन ड्यू टू दोड्स आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है दैट डिपार्टमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डील्स इन

वर्क फोर्स को डिसाइड कर पाए तो वर्क लोड के बाद यू हैव है वर्क फोर्स वर्क फोर्स में आप एनालाइज करेंगे कि आपको उस वर्क लोड को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस

अपना नॉमिनेशन फाइल करें कि दे वॉन्ट दैट पोस्ट तो रिक्रूटमेंट का यही मतलब होता है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को परसवेड करते हो इन्फ्लुएंस करते हो कन्विंस करते हो कि आइए भाई साहब हमारे पास जॉब है आप जॉब के लिए अप्लाई करिए ठीक है तो ये सिलेक्शन नहीं होता आप लोगों को बोल रहे हो कि आए हमारे पास एक वेकेंट जॉब पोजिशन है उस वेकेंट जॉब पोजिशन को आप आके ग्रैब करिए तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन फाइल करें तो उस एप्लीकेशन फाइल को जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो एप्लीकेशन फाइल कराते हैं तो दैट इज नोन एज रिक्रूटिंग तो इसके लिए वर्ड याद रखेंगे यू आर इन्फ्लुएंसिंग यू आर पर्सुएडिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर योर जॉब आपके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो आपके जॉब के लिए एप्लीकेशन दे और फिर आप उसका क्या करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर लगाएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर में आप उस एम्प्लॉय के सिलेक्शन को देखेंगे कि आपको उसको सिलेक्ट करना है या नहीं अब देखो आपके पास किसी ने जॉब फाइल कर दी तो ऐसे तो नहीं आप उसको ठीक है भैया आपने जॉब फाइल कर दी आज ये कल से काम शुरू करिए ऐसा नहीं होता आप एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर अभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है यू कैन सी इट इज रिटर्न हेयर सिलेक्शन प्रोसीजर अब हम डिस्कस करेंगे

प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप हमारी रिक्वायर्ड जॉब के बेसिक क्राइटेरिया को फिल कर रहे हो या नहीं फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीचर की वैकेंसी निकाली कि मुझे एक टीचर की जरूरत जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैंने बोला कि द टीचर शुड बी बीएड क्लैरिफाइड पर्सन अब कई लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे जॉब फाइल जॉब के लिए अप्लाई कर दिया तो जिन लोगों ने बी एड नहीं की बैचलर ऑफ एजुकेशन नहीं किया कि आप उनके को हम आउट कर देंगे क्योंकि वो लोग मुझे चाहिए ही नहीं वो मेरे जो क्राइटेरिया है उसमें फिट ही नहीं होते तो जब आप ये जो बेसिक क्राइटेरिया है जैसे मैंने आपका यूपीएससी का एग्जाम्पल लिया था तो यूपीएससी के लिए यू यू हैव टू बी बी एंड शुड अ ग्रेजुएटेड तो अगर किसी नॉन ग्रेजुएटेड ने पर्सिंग ग्रेजुएटेड ने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है यूपीएससी के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है यूपीएससी के फॉर्म को फिल कर दिया है तो यूपीएससी उसके एप्लीकेशन को क्या करेगी रिजेक्ट करेगी क्योंकि वो यूपीएससी के ग्रेजुएशन वाले क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रहा तो आई होप यू आर वेरी वेल क्लियर स्क्रीनिंग अगर आप बेसिक क्राइटेरिया को जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप स्टेप इज योर सिलेक्शन सिलेक्शन टेस्ट टेस्ट के अंदर आपके पास कुछ टेस्ट होंगे आपके सिलेक्शन टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट में देखा जाएगा कि आप कितनी आपकी लर्निंग एबिलिटी है आप डिसीजन जजमेंट को कितने रैशनली ले सकते हैं तो जब आप अपने आपके डिसीजन एबिलिटी को चेक किया जाएगा तो दैट विल बी योर इंटेलिजेंस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाएगा कि आपकी नई स्किल्स को समझने के लिए क्या कैपेबिलिटी है भाई कल को कोई नया चेंज आ गया तो क्या आप उस नए चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं तो नई स्किल आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे इसके लिए आपका कौन सा टेस्ट होगा आप Test. Then test, personality test. Personality test में क्या आपकी कैसी है इस जॉब के लिए देखिये जैसे कहीं रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है तो रिसेप्पनिस्ट के जॉब के लिए यू शुड बी वेरी फिट एंड फाइन आपको बहुत फिट एंड फाइन होना पड़ता है आपको बड़ा अच्छे से बोलना आना चाहिए कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए तो आपके इंटरव्यू में यही चेक किया जाएगा कहीं आप भूलू तो नहीं आप बोल तो आप अगर बोल ही नहीं पा रहे और आपको सिलेक्ट कर लिया तो आप कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसेप्शन डेस्क को संभालेंगे तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके फिजिकल एक्ट्रीब्यूट को चेक किया जाएगा तो आई होप यू आर डन विद डू द रेफरेंस चेक अब देखिए रेफरेंस चेक का मतलब क्या होता है कि आप यहां पे चेक करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट कहीं कैंडिडेट की कोई एफ तो नहीं हुई कहीं किसी कैंडिडेट ने कहीं कोई क्राइम तो नहीं कर दिया इसका स्कूल में कैसा रिकॉर्ड था इसका कॉलेज में कैसा रिकॉर्ड था तो इन चीजों को जब आप जाके चेक करेंगे तो इसको हम लोग क्लास क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ सिलेक्शन डिसीजन अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो इन सारी चीजों को पार कर चुके होंगे बहुत पॉजिटिवली आगे मूव हो चुके होंगे बट आपके पास वैकेंसीज तो लिमिटेड है

नॉर्मल कहीं उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है कल को पता चला कोई बीमारी है ऑर्गेनाइजेशन में आया दो तीन महीने चार पांच महीने के बाद वो अगर स्वर्ग सुधार गया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसके सिलेक्शन पे किया है तो इसलिए मेडिकल हल्का सा मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे और फिर फाइनली अगर वो सब चीजों में फिट है आप उसको जॉब ऑफर करेंगे आप एकदम से उसको ये नहीं बोलेंगे कल के लिए जॉब कल से जॉब पे आ जाओ आप उसको पहले जॉब ऑफर करेंगे जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन सैलरी एवरीथिंग रिलेटेड टू द जॉब उसका क्या जॉब प्रोफाइल है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है कितने घंटे काम करना है क्या काम करना है एवरीथिंग रिलेटेड टू द जॉब यू विल एक्सप्लेन टू दैट कैंडिडेट और फिर फाइनली अगर वो कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपकी कंपनी और उस कैंडिडेट के बीच में क्या साइन हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लॉयमेंट तो आई होप यू आर डन विदिलेक्शन प्रोसेजर ये आप याद रखें इसमें आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपको दो तीन प्रोसेसर को दे देगा और बोलेगा कि आगे के दो तीन प्रोसेजर को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन डिसीजन आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेना है

वुड बी अनफेमिलियर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है रेगुलेशन क्या है कौन जूनियर है कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन तो आपको एक हल्का सा काम करना पड़ेगा उसको क्या देना पड़ेगी ऑरिएंटेशन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ऑरिएंटेशन में आप उस इंप्लॉय को अभी वो आपके इंप्लॉय हो चुका है कैंडिडेट से क्योंकि आपने उसके साथ क्या साइन कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट आप वो कैंडिडेट नहीं रहा कैंडिडेट से एक इंप्लॉय बन चुका है तो इंप्लॉय को आप बताएंगे भैया आपका ये काम है आपको ये करना है या आपके सीनियर है या आपके जूनियर है तो सिंपल सा मतलब जब आप उस इंप्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाएंगे दैट इज ओरिएंटेशन आफ्टर ओरिएंटेशन आप उसका ट्रेनिंग देंगे ट्रेनिंग में उसकी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसका डेवलपमेंट करेंगे डेवलपमेंट में क्या होगा कि आप उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ग्रो करेंगे देखिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ये मेजर डिफरेंस है ट्रेनिंग में आप रिगार्डिंग द जॉब स्किल्स उसके बढ़ाते हैं लेकिन डेवलपमेंट में आप उसका ओवरऑल ग्रोथ करते हैं उसका पर्सनालिटी द द द द वे 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 ऑफ 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 वॉकिंग टॉकिंग स्पीच बिहेवियर एवरी डायमेंशन को जब आप सुधारते हैं तो उसको आप बोलते हैं डेवलपमेंट और जब आप उसको जिस काम के लिए आपने सिलेक्ट करा है उसकी स्किल्स को जब इंक्रीज करते हैं तो दैट इज नोन एज ट्रेनिंग तो प्लीज डू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आफ्टर दैट यू हैव टू दूजल पर आपने जो ये इम्प्लॉय सेलेक्ट किया है वो अपने टारगेट को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कैसे उसका वर्क है कैसे वो काम कर रहा है टारगेट अचीव कितना हुआ है तो ये सब चीजें जब आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल आफ्टर दैट यू हैव टू डू द प्रमोशन अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत एक्टिवली काम कर रहा है ऑर्गेजेशन के लिए बहुत बेनिफिट इंप्लॉय है तो आप उसको क्या देंगे प्रमोशन देंगे प्रमोशन का मतलब होता है बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन पे पहुंचाना ठीक है तो आप उसको प्रमोट करेंगे हायर हायर पोस्ट पोस्ट पे उसको प्रमोट कर देंगे और फाइनली इस कंपनसेशन कंपनसेशन में आप डेवलप करेंगे कि आपको उसको कितना क्या पैसे वगैरह कितना बढ़ाना है कब उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं जब ये सारी चीजें जब रिगार्डिंग द मनी और जिसमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिवस भी होते हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन देंगे उसके परफॉर्मेंस को आप सबके सामने रिकॉग्नाइज करवाएंगे उसको ट्रॉफीज वगैरह देंगे मोमेंटर्म्स वगैरह देंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी

हॉरिजॉन्टली और जो आपका प्रमोशन होता है वो वर्टिकली होता है तो ट्रांसफर में आप क्या करते हो सेम जो पोजीशन पे रहेगा सेम उसकी पोस्ट रहेगी और आप एक जगह से दूसरी जगह एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट एक एरिया से दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे आप उस एम्प्लॉय का क्या करते हो मूवमेंट करते हो लेकिन जब आप उसका ऐसे मूवमेंट करते हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप देन अगेन टॉप देन अगेन टॉप तो जब ऐसे मूवमेंट होगा तो दैट इज नोन एज प्रमोशन ठीक है तो प्रमोशन में उसकी सैलरी बढ़ जाएगी उसकी डिजिग्नेशन बढ़ जाएगी उसका पद बढ़ जाएगा ओदा बढ़ जाएगा तो ये सारी जब उसकी इंक्रीज तो, इस तो से भी कर सकते हो आप नई जो, जो, जो कर सकते हो उसके बाद एक्स्टरनल सोर्सेस, एक्स्टरनल सोर्सेस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिटू, रिटू, का मतलब है आप आइए हमारे पास खाली जॉब पोजिशन है, आप आइए अप्लाई करिए और अपनी अगर आप फिट होते हैं तो अपनी जॉब पोजिशन को ले सकते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैजुअल कॉलर्स कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें आपकी जरूरत है जब तक हम आपको रखेंगे और उसके बाद हम आपको निकाल देंगे जब हमारे पास टाइम आपकी जरूरत नहीं होगी तो हम आपको निकाल देंगे तो जैसे एग्रीकल्चर में काफी होता है कैजुअल कॉलर्स जब हार्वेस्ट सीजन आता है तो हम लोग बुला लेते हैं और जब हार्वेस्ट सीजन चला जाता है तो हम वापस से उन इम्प्लॉइज को भेज देते हैं तो दैट इज कैजुअल तो जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे जरूरत नहीं होगी तो आपको हम भेज देंगे उसको क्या बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स गेट हायरिंग गेट हायरिंग में भैया आप गेट के ऊपर लगा देंगे काम के लिए लड़के की जरूरत और फिर लड़का कहीं देखेगा देखेगा अच्छा जॉब ढूंढ रहा है वो आएगा और अपनी अगर वो फिट होगा तो उसको हम ये जॉब दे देंगे तो गेट हायरिंग मतलब आप गेट के ऊपर क्या लगा देते हो एक पोस्टर टाइप लगा देते हो कि हमें ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है किसी को अगर जरूरत है जॉब की तो वहाँ की जॉब ले सकता है उसके बाद है वेब पब्लिशिंग की तो बहुत कॉमन है वेब पब्लिशिंग में आप मॉन्स्टर डॉट कॉम टाइम्स जॉब डॉट कॉम इसके थ्रू ऑनलाइन मोड्स के थ्रू आप अपनी जॉब वैकेंसीज डालते हो जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो वहां के थ्रू आपको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन ऑफ में देखिए रीना ने बोला कि सर मेरे चाचा की लड़के हैं वो बहुत अच्छी सीए है आप उसको प्लीज ज्वाइन करवा लीजिए बिजनेस में बहुत अच्छा आपकी बिजनेस को ग्रो करेगी तो पुराने इम्प्लॉय ने किसी को रिकमेंड किया और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस में हमने नए इम्प्लॉय को सिलेक्ट किया दिस इज नोन एज रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आफ्टर दैट यू हैव कैंपस रिक्रूटमेंट आप बहुत जानते हैं आई वगैरह में होता है अब इसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हो सकता है आपका भी थर्ड ईयर में कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाए तो जो कैंपस होता है कॉलेज कैंपस होता है वहां पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां आती है अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं बहुत स्किल्ड स्टूडेंट है तो वो कंपनी आपको अपना इंप्लॉय बना लेती है तो दिस तो इज नोन एज कैंपस कॉलेज के कैंपस में आएंगी इंटरव्यू वगैरह टेक करेंगे और आपको अपना इंप्लॉय बना लेंगे दैट इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट और लास्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबर का ठेकेदार एक ठेकेदार होता है लालाजी होता है बड़ा सा ठेकेदार और उस ठेकेदार के नीचे पचास साठ सत्तर वर्कर होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्ट लेकर उन वर्कर से काम कराता है तो आप उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जा सकते हैं अगर आपको जॉब की जरूरत है तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली प्राइवेट होता है तो इस तरीके से आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग आपकी किसको डेवलप करेगा स्किल्स को डेवलप करेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब जिस भी जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है उसके रिगार्डिंग जो आपकी स्किल्स होंगी उसको जो डेवलप करेगा दैट इज नॉन एज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगी आपकी ओवरऑल ग्रोथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी वे ऑफ वॉकिंग टॉकिंग स्पीकिंग एवरीथिंग जब इन सब चीजों को ग्रो करेंगे दट इज डेवलपमेंट अब फटाफट से एक मिनट में लास्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या मतलब होता है काम करते करते सीखना और ऑफ द जॉब मतलब पहले सीखना फिर काम करना तो काम करते करते सीखना मतलब यू आर लर्निंग डूइंग दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के आपका अप्रिंटनशिप होता है अप्रिंटनशिप के अंदर आप किसी बहुत स्किल्ड मास्टर के नीचे काम करते हैं ठीक है स्किल्ड मास्टर होता है उसके नीचे अगर आप काम कर रहे हैं और स्किल्स को सीख रहे हैं तो वो क्या होगा अप्रिंटनशिप होगा इंटर्नशिप इंटर्नशिप होता है जो बड़े बड़े कॉलेज कोचिंग बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंदर आप रह के काम कर रहे हैं वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंटर्नशिप जैसे सी ए वगैरह होता है सी वगैरह होता है सीएमएस होते हैं उनको पहले इंटर्नशिप करनी होती है जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंडर रह के काम करना पड़ता है तो दैट इज इंटर्नशिप यहाँ पे जो ज्यादा स्किल्ड जॉब है उनके लिए इंटर्नशिप की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट इज इंडक्शन एंड ऑरियंटेशन इंडक्शन ओरियंटेशन का मतलब क्या होता है यही जो हमने यहाँ डिस्कस किया था दैट्स द सेम ऑरिए जब भी आप नए सिलेक्टेड इंप्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज के बारे में बताते हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बारे में उसको बताते हो किसको किसको रिपोर्ट करना है कौन जूनियर सीनियर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडक्शन एंड ऑरियंटेशन ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना एक नए इंप्लॉय को एंड देन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका होगा वेजिटेबल ट्रेनिंग वेजिटेबल ट्रेनिंग में क्या करेंगे आप एक ऐसा माहौल पहले क्रिएट करेंगे जैसे ये किसमें होता है आप मेनली याद रखेंगे किसमें होता है ये डॉक्टर्स वाले प्रोफेशन में ऐसे होता है अब आप सीधा डॉक्टर कोई कोई पर्सिंग डॉक्टर है कोई एमबीए कर रहा है आप उसको सीधा थोड़ी किसी पेशेंट को डील करने के लिए दे देंगे तो पहले आप उनको डेड बॉडीज के साथ डील करवाएंगे जिस जिसके वो कटिंग शटिंग करेंगे सीखेंगे और उसके बाद वो जो मेन प्रोफेशन है उस पर वर्क करेंगे तो वेस्टिटेबल मतलब आप जो भी उनको जहां पे भी काम करना है वैसा एक आर्टिफिशियल माहौल उनके लिए क्रिएट करेंगे और पहले उस आर्टिफिशियल माहौल में वो वर्क करेंगे और उसके बाद वो जो रियल वर्क होगा वहां पे करेंगे तो ये आप देखिए आप सीख सकते हैं जब आप ड्राइविंग करते हैं तो स्टिम्यटर होता है मतलब वैसा आपको सीधी गाड़ी पे नहीं बिठाते वो आपको एक स्टिमुलेटर देते हैं वो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टीयरिंग वगैरह सब होता है तो आप पहले उसपे सीखते हैं दो चार दिन आप समझ जाते हैं स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है ब्रेक को कैसे मारना है क्लच को कैसे यूज करना है गेयर को कैसे डालना है तो एक बार जब आप कुछ चीजें सीख जाते हैं तो फिर आपको रियल गाड़ी पे बिठाया जाता है तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेस्टल ट्रेनिंग तो पहले वैसा माहौल क्रिएट करके आपको सिखाना फिर आपको रियल माहौल पे काम करवाना इस फेस्टिवल तो क्लास ये हमारा पूरा चैप्टर था स्टाफिंग का इसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा और आप बहुत इजीली अपनी केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल